दर्शकों नमस्कार, मैं निषाद कांजे और आकाश न्यूज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। नागपुर के शीतकालीन अधिवेशन में क्या होगी किसानों की कर्ज मुक्ति की घोषणा? महाराष्ट्र विधानसभा का सोमवार 16 दिसंबर से शुरू हो रहा नागपुर शीतकालीन अधिवेशन में महाराष्ट्र के किसानों को संपूर्ण कर्ज मुक्ति कर महाविकास आघाड़ी न्याय दिला पाएगी, जिसकी ओर सभी की नजरें टिकी हुई है। राज्य में शिवसेना, राष्ट्रवादी कांग्रेस तथा कांग्रेस की महाविकास आघाड़ी की सत्ता स्थापन करने के बाद पहला शीतकालीन अधिवेशन राज्य की उपराजधानी नागपुर में 16 दिसंबर से शुरू हो रहा है। मुख्यमंत्री श्री उद्धव ठाकरे के साथ संपूर्ण मंत्रिमंडल तथा सचिवालय नागपुर पहुंचकर काम की शुरुआत कर चुकी है। राज्य में सत्ता परिवर्तन होने के बाद अब भाजपा विरोधी पक्ष बना है। राज्य में बेमौसम बारिश से किसानों को भारी क्षति का सामना करना पड़ा था। पश्चिम महाराष्ट्र को लेकर कई शहरों में और कस्बों में बाढ़ के प्रकोप से फसलों के साथ जान माल की भी नुकसान हुई थी। विधानसभा चुनाव में सभी पार्टियों द्वारा किसानों के हित में चर्चा हुई थी। खासकर कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस तथा शिवसेना ने भी किसानों की संपूर्ण कर्ज मुक्ति की बात कही थी। अब राज्य में उन्हीं की सरकार सत्ता में आई है, ऐसे में शीतकालीन सत्र में किसानों की संपूर्ण कर्ज मुक्ति की घोषणा हो सकती है। शीतकालीन सत्र में विपक्ष द्वारा भी हंगामा करने के प्रयास किए जाने के संकेत मिले हैं। राज्य मंत्रिमंडल का विस्तार, किसानों की कर्ज मुक्ति के लिए हो रही लेट लतीफी को लेकर भाजपा शीतकालीन सत्र में आवाज उठाएगी, ऐसे लगातार संकेत मिलते आ रहे हैं। अधिवेशन में नागपुर अधिवेश में सत्ता पक्ष की कसौटी लगने वाली है। हमारे आकाश न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद।